पहले आप जी, बताइए कि राशन जी कानून से आपके चैनल इंसान पर झूठ मांगते बोला जा रहा है। मांगते ये प्लीज सात रेफर लाख टू रुपए का एनसीआर अनुदान की कैसे कहा रिपोर्ट। एनसीआर की जाता रिपोर्ट है? उत्तर ये जो प्रदेश सेंट्रल भीड़ गवर्नमेंट है ने 10 क्या हजार कहती है, की प्लीज रेफर भीड़ करिए मैडम, मंदिर के झूठ मत आगे बोलिए। कैसे खड़ी हो टाइम्स जाती नाउ है एक जिसके प्रतिष्ठित हाथों चैनल में है, पत्थर उसके आते दर्शकों हैं, को आप लाठी गलत आपको भी है, इन्फॉर्मेशन मत तलवारें दीजिए। आ ये एक जाती तरह है। का ये ऑफेंस है कौन मैडम, सा संघर्ष ये एक कैसे, तरह का ऑफेंस है। ये कौन सी आप किसी गलत डेटा, पीसफुल मैं कम्युनिटी ठीक कर है? देता हूं प्लीज इसे, रिफर टू मैं ठीक कर देता एनसीआर। हूं इसे, मैं ठीक कर देता हूं। फराज किदवई साहब, जो एनसीआरबी का ऑफिशियली डेटा उसकी वेबसाइट पर अपलोड है 2022 का, उसमें एक भी बिल्कुल दंगे आप का जिक्र नहीं देखेंगे, है जहां तक मेरी जानकारी है। 6,126 और यहाँ नहीं सर, बातों में नहीं घुमाइए वो नहीं, कहां और है राकेश जी, जी पता आप नहीं, आप ये पता नहीं बिहार आपने से कहां से डेटा उठाया, पूछिए, सपा के हेडक्वार्टर से उठाया कि आपने कहां से उठाया। खैर, आप एक इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन मैं लगा रहे चैलेंज हैं तो मैं शिवम से जवाब ले दे लेता रहा हूं हूं। आपको। सुजाता देखिए, माफ करूंगा, आपको थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूं, बोलिए शिवम त्यागी। समाजवादी जी के सस्ते राष्ट्र कवि श्री फराज किदवई जी के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये हमसे पूछते हैं, कहते हैं अराजकता क्या है, बताओ डेफिनेशन, बैठ बैठ कर अराजकता क्या है बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद की सड़क पर 1 लाख लोग एक नारा सरतन से जुदा करते हुए इकट्ठे हो गए, ये है अराजकता। आप ये दिखाते रहिए, कटेंगे ऐसे आगे करके। किसी दो व्यक्ति ने गलत किया इसका ये मतलब नहीं है तीसरा भी गलत करा, दो जिसने किया उनको सजा मिले और उन पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे समाज को थोड़ी ना। और इधर पूरे के पूरे लोग 1 लाख लोग एक ही समाज से आकर खड़े हो गए और सरतन से जुदा करने की बात करते हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं समाजवादी वाले। ये देखिए, ये तो चाहते हैं लोगों के गले कटे, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैले, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो, क्योंकि उसी के बाद तो इनको सत्ता की मलाई चखने का मौका शायद मिलेगा। पिछली बार भी जब सत्ता में थे तो इसी तरीके से दिन रात दंगे कराते थे। खैर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये लोकतांत्रिक देश है, गलती कोई भी करता है सजा होनी चाहिए। किसी को भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार, गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर उसके बाद ये स्थितियां हो जो सड़क पर हो रही हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो ठीक है, संविधान वक्त लिखा है, और जिसके मैं तहत रोक रहा ये देश हूं, चलता है, ब्रेक उसी लेना के तहत पड़ेगा। कार्रवाई हो। अभी 2 मिनट में इतनी परेशानी कैसे हो गई भाई? अकबरुद्दीन का नवाब नाम लेते इतने दिक्कत उछलने क्यों लगे? रुकिए जरा, अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप मेरे बीच में, आपके पास जवाब नहीं है। फिर वही बात, क्या जवाब नहीं है भाई? मेरा समय बोलिए, क्या जवाब चाहिए? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, अगर समझाएं यही जस्टिफिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि वो नरसिंहानंद इसी तरह बिल्कुल बोलता मिलेगा। फिर वही बात, मैंने क्या कहा? कानून की बात सुनिए सुनिए, चिल्लाइए मत, अकबरुद्दीन का नाम ले लिया तो चिल्लाइए मत, उछलिए मत कुर्सी पर बैठकर। रुकिए जरा, ओवैसी का नाम आता नहीं कि बेहोश हो जाते हैं बोलते बोलते। रुकिए अभी जरा, थैंक यू, अपने समय पर बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे गुजारिश है कृपया करके मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अदालत की बात अदालत ज्यादा बेहतर जानती होंगी, कोर्ट्स ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनके निर्णय कैसे होते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं एक आम आदमी के नाते नहीं जानता, मुझे राजनीति पर पूछना है तो पूछ लीजिए। खैर, लेकिन विश्वास है, अगर किसी को बेल कोर्ट ने दी है तो कोर्ट ज्यादा बेहतर जानता है, और अगर किसी को उसकी भी खिलाफत करनी है तो कोर्ट चला जाए, कर दे। अब आगे आते हैं, 1 लाख लोगों की भीड़ एक सड़क पर एक ही मजहब से गुजरे, तो वहां से गुजरने वाली किसी और धर्म की महिला, वहां से गुजरने वाले बच्चे जिसको मारने के लिए वो चढ़ रहे हैं, वो जगह, वो आदमी, ये क्या शरिया में है क्या भैया? ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से बंधा हुआ देश है, यहां पर कोई इस तरह की गुंडागर्दी अराजकता नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी से नफरत भी है, अगर मुझे उसका मन है कि मैं उसको वहीं गोली मार दूं, मैं नहीं मार सकता, मैं संविधान से बंधा हुआ आदमी हूं, मैं यहां इस देश में रहता हूं, इस देश के कानून के तहत रहता हूं। 1 लाख लोग उठाकर कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा क्या? विधानसभा के गजब गुंडा कर दिया, फिर यूपी मोड लागू होता है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, लोगों का घर में लगाने जाओगे? नहीं नहीं, एक बार एक बार एक बार शिवम 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 एक मिनट, दानिश 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 एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट दानिश दानिश सुरेशी सुनिए, आपने दो बार कहा, अरे सुनिए भाई सुनिए ना सुनिए, आपने दो बार कहा दानिश दानिश, प्लीज समय कम होता है, सुना करिए सर, मैं जब नाम लिया करूं और कुछ पूछूं तो सवाल सुन लिया करिए, समय बर्बाद नहीं होता है। सुनिए सर सुनिए, आपने दो बार कहा दानिश कुरैशी कि सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन नहीं नहीं, लेकिन दोनों बार शिवम शिवम, लेकिन दोनों बार दानिश ने यह नहीं बताया कि किसको मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, घर में रखे क्या? नहीं नहीं, माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए। योगी की सत्ता है क्या? नहीं तो आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए दानिश कुरैशी? योगी की सत्ता है किसी की हत्या करना? नहीं नहीं दानिश कुरैशी, आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए? क्या दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं,
आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए? आपने पूरी बात क्यों नहीं कोट की कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा? ये सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था, और फिर ये कहिए कि माफिया मिट्टी में मिले तो एमआईएम पार्टी को दिक्कत है, दानिश कुरैशी को दिक्कत है, आपकी पार्टी के सर्वेसर्वा जो बैरिस्टर हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि माफिया मिट्टी में नहीं, आसमान में तारे की तरह सजा देना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए, योगी को हत्या करने की सत्ता नहीं है। नहीं, हत्या करने की बात नहीं है दानिश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों बार आपको माफिया शब्द भी बोलना चाहिए था। शिवम एक रिप्लाई, ये दोनों बार माफिया शब्द खा गए तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या ये भड़काऊ नहीं है? दोनों बार माफिया खा गए ये शब्द, क्या करने की सत्ता? नहीं नहीं, आप पूरी बात बोलते, मैं नहीं बीच में आता, लेकिन दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए दानिश कुरैशी। शिवम त्यागी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, माफिया मिट्टी में ही मिलाया जाएगा, उसकी जो माफिया है वो मिट्टी में ही मिला दी जाएगी, उसके बेईमानी की कमाई हुई जमीनें गरीबों में बांटी जाएंगी, उन पर फ्लैट बनाकर गरीबों को दिया जाएगा, उनकी गुंडागर्दी, उनकी हैसियत, उनकी ताकत, उसको मिट्टी में मिला देंगे हम, और इसमें कोई पीछे हटने वाले नहीं है, और माफियाओं की गुंडों की आरती नहीं उतारी जाएगी, पीरियड। और मैं इसमें जाति धर्म नहीं ले रहा हूं, पता नहीं माफियाओं की तरफ से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई, नहीं माफियाओं से क्यों मोहब्बत है, उनको मिट्टी में ही मिला देना चाहिए, हर जगह मिला देना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस देश में लोग मैं आगे बढ़ रहा हूं। दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, तीन मेहमान वेट कर रहे हैं। दानिश कुरैशी, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपने ठीक कोट किया कि फ्लोर पर कहा था सीएम ने मिट्टी में मिला दूंगा, दोनों बार माफिया शब्द भी बोल देते तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन माफिया शब्द खा गए अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैं आगे आ रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता, ये आधा अधूरा कोट मेरे सामने मत किया करिए, और ना कोई प्रोपेगेंडा, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी लेकर आया करिए, बोला करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो पूरा शब्द बोला करिए। अब साजिद रशीदी, रुकिए भाई, रुकिए, बाकियों को बोलने दीजिए, फराज किदवई साहब आऊंगा, लेकिन उससे पहले साजिद रशीदी जी, जो बातें शिवम ने कही कि 1 लाख की भीड़ सड़क पर उतर जाए, आपकी अपनी शिकायतें हो सकती है, किसी एक से दिक्कत हो सकती है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन की आड़ में कोई अराजकता फैलाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी भीड़ को अराजकता फैलाने की गुंजाइश कैसे है? हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, हम भी इसकी इजाजत नहीं देते। संविधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना यह संविधानिक है, करना चाहिए और करेंगे हम आगे भी, लेकिन किसी भी भीड़ को, यह सच बात है कि कोई आदमी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जो योगी का बयान है इसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने कहा अन्यथा लिया, आप लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अन्यथा लिया, अच्छा, मैं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। आप अन्यथा ले रहे हैं तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, सर तन से जुदा के नारे लगाना क्या अराजकता था कि नहीं आपके हिसाब से? सुनिए साजिद रशीदी, याद रहता है अब सर्तन से जुदा पे चले गए। अरे दानिश कुरैशी प्लीज, बीच में मत आइए भाई, आपका आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की तो सबके बीच में मत आइए प्लीज। सुनिए, सबसे पहले आपको समय मिला, बोलिए राकेश पांडे। सबसे ज्यादा आपके चैनल पे मैंने सर्तन से जुदा को कंडम किया है, सबसे ज्यादा, और फिर आप बार बार उसी सवाल को करते हैं। तो पूछ रहा हूं तो बार बार जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है आपके चैनल पे? और इस सवाल से दिक्कत तो होती है क्या साजिद रशीदी को? नहीं, फायदा क्या है उसका? नहीं, पूछ लिया मैंने कि सरदर से जुदा लगाना, कहीं हिंदू पर्व पर पत्थरबाजी किसी ने कर दी, क्या तो वो इस सड़क से क्यों गुजर रहा था, ये अराजकता है कि नहीं? एक मिनट शिवम, आता नहीं, देखिए बात सुनिए, अराजकता कोई भी हो और कोई भी करे, आप क्या यति नरसिम्हा राव की बात को अराजकता नहीं मानते? हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, गलत है, बिल्कुल है। मैंने कब कहा कि सही का? कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मान रहा हूँ, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए। साजिद रशीदी, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करे और कोई उसको डिफेंड करे तो वो उतना ही बड़ा गुनहगार है। नहीं, एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये सर कानून तय करेगा, चाहिए कि नहीं, ये कानून तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। मैं अच्छा, बता सकता हूँ कि यदि नरसिंहानंद ने सही कहा कि गलत कहा, कहने में क्या अगर अगर नहीं नहीं अगर एनएसए कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, अगर एनएसए लगाया जा सकता है तो लगा दे सरकार, आपको कहने में, मैं कह रहा हूँ अगर अप्लीकेबल है तो लगा दे, तय करेगा अपना, अप्लीकेबल है तो बिल्कुल लगा दे। सुनिए, मैं भी मानता हूँ कानून तय करेगा, यस, अरे सुनो भाई, मैं भी मानता हूँ कानून तय करेगा, लेकिन आपको कहने में क्या दिक्कत है? कह दो कि हाँ लगना चाहिए, लग जाए, मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? मुझे क्या दिक्कत है? कानून तय करेगा। हाँ तो मुझे क्या दिक्कत है? हमें और आपको कहने में क्या दिक्कत है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी सजा, मैं पूछ ही लेता हूँ ना कि एनएसए लगाने में क्या दिक्कत है? शिवम त्यागी बताइए, देखिए
ये एक्चुअली इनको पूछ कौन रहा है? ये साजिद रशीदी आकर कहते हैं मैंने तो 1000 बार आपके चैनल पे कंडेम किया है, ये इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, सरतन से जुदा के नारे लगे। अरे मानता ही नहीं कोई आपको आपके समाज में भाई।